आदिमताई हिम्मत वाला, तूफान, नागिन जैसी सुपरहिट्स मूवीज को देकर जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। 80 से लेकर 90 के दशक में इंडस्ट्री में अगर किसी एक्टर ने राज किया था तो वो है जितेंद्र। वैसे तो जितेंद्र ने अपनी करियर में कई सारी सुपरहिट्स मूवीज दी, पर कहा जाता है कि जितेंद्र को पहचान मिली हिम्मत वाला से। जी हाँ, इस फिल्म में जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने एक अलग ही भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक की आती है कि एक वक्त था जब जितेंद्र के साथ श्रीदेवी को लोगों ने खूब पसंद किया था, तभी तो जितेंद्र ने श्रीदेवी के साथ कई सारे सुपर मूवीज में भी काम किया। दोस्तों, जितेंद्र अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां पर पहुंचने के लिए एक्टर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितेंद्र हमेशा से ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, तभी तो इस वक्त जितेंद्र को हर मौके पर याद किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई अवार्ड शो हो या फिर कोई इवेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितेंद्र इस वक्त अपनी सेहत को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, जितेंद्र अभी हाल फिलहाल में ही अपने रेगुलर चेकअप के लिए नानावती हॉस्पिटल पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि इस वक्त जितेंद्र की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तभी तो जितेंद्र की बेटी एकता कपूर और बेटे तुषार कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैंस से इस बात की गुहार लगाई है कि पिता जितेंद्र के लिए हर कोई दुआ करे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आई, कई सारे लोगों ने जितेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे ऐसी अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। हालांकि इस वक्त जितेंद्र को लेकर अपडेट आ रही है कि जितेंद्र को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो बहुत ही जल्द अपने इलाज के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी जितेंद्र की मूवीज देखी है तो आपकी फेवरेट कौन सी थी, कॉमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके हिसाब से जितेंद्र की जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ लगती है? दोस्तों, अपनी राय कॉमेंट में शेयर कर साथ ही कमेंट में #getwellsoon जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।